नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। यस मी। अरे ओ अकल के दुश्मन यार, कम से कम घर वालों को तो चैन से रहने दिया कर, मुझे लाइफ में पढ़ना भी है यार। मेरा क्या, मैं तो शटअप हो जाऊंगा, मगर आपके पिताजी यानी कि मेरे चाचा जी शटअप नहीं होने वाले। चाचा का बच्चा? आई एम चाचा का बच्चा, योर चाचा का बच्चा, आई एम चाचा का भतीजा, एंड चाचा इज वेटिंग डाउन फॉर यू। नीचे आपका इंतजार हो रहा है। गुड मॉर्निंग डैड। इंग्लिश धुन पर तो नाचते रहते हो, कभी हमारी धुन पर भी थिया किया करो। मतलब कि कुछ काम करो, सचिवालय जाकर ये टेंडर जमा कराओ। टेंडर? वो टेंडर इम्पॉसिबल डैड, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना। क्या काम है? दोस्तों के साथ मटरगश्ती करना, क्लबों में जाकर नाचना गाना और पैसा पानी की तरह बहाना। तो फिर मेरे बेटे मम्मी पड़ गए, अपने लाडले भतीजे को क्यों नहीं काम पर लगाते? अरे वही तो है जो हर साल कॉलेज में फर्स्ट आकर हमारे घराने का नाम रोशन करता है। और एक ये, इसे किसी चीज की फिक्र नहीं। ये लो टेंडर, ये 50 लाख का है, आज इसकी आखिरी डेट है, आज ही जमा होना जरूरी है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, लो और जाओ। लो बेटा लो, जाओ। शांति देवी, अगर तुम प्रकाश की इसी तरह तरफदारी करती रहोगी तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा? देखो जी, इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आज मुझे महिला समाज की मीटिंग में नारी और उसकी जिम्मेदारी,
इस विषय पर भाषण देने जाना है। हाँ। नारी और उसकी जिम्मेदारी। हाँ। और तुम शट अप। अपनी अकल का चश्मा तो टूट गया है और चलिए दूसरों को रास्ता दिखाने। ओए मेरी जवानी के झटके, मेरे प्यारे प्यारे भांजे। अरे मामा तुम और इस वक्त बच्चे, मैं तुझे तो लेने आया हूँ। कहाँ जा रहा तू? डैडी ने एक टेंडर के काम से भेजा है। अबे बुजुर्गों का कहना सिर्फ सुनने के लिए होता है, करने के लिए नहीं। तो नूरे चमन ब्यूटी एक खजाना इंतजार कर रही है जिसे देख कर आंखें कह उठेंगी आफरीन। तो देरी किस बात की? लेट्स गो, लेट्स गो। ब्यूटी ओ ब्यूटी ओ ब्यूटी। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, पेड़ पौधों से कहा। तुम्हें और कोई काम है या नहीं? क्या मतलब? तुमने ये फूल मेरी तरफ क्यों फेंका? लगता है आपको को गलत फहमी हुई है। मैं तुम जैसे सड़क छाप मछलियों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। अरे बड़ी बदतमीजी आप। मैं इतनी देर से आपसे इज्जत से आप करके बात कर रहा हूँ और आप तुम पर उतर आई? आप समझती क्या आपने आपको? अरे आपको देवी आप तरह है जो आप पर फूल बरसाओ। मैं आप जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब कॉलेज में कोई भाव नहीं देता ना तो कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाती है आप लोग। और भगवान के लिए ये दाव पे किसी और पे आजमाइएगा। आप उठो ऐसे। मगर मेरे शरीर का बग खराब कर दिया। यू ब्रूट, देख लूंगी तुम्हें। मेरी जान के झटके, क्या चाल है। अच्छा तो ये आपका कमाल है। अबे हाँ, खामे खामे तूने उस बुलबुल को झटके देके उड़ा दिया। तो वापस बुला लूं? अरे बुला बुला, तेरे पे तो लड़कियां तितलियों की तरह मरती। साली हमको कोई घास नहीं डालती। अरे जल्दी बुला, चली जाएगी। बुला 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 बुला, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ बड़ा मजा आया उस दिन। अरे राकेश जी क्या हुआ, कोई हाथ लगी कि नहीं? हाय कातिल हसीना की क्या क्या थे लटके, पर मेरी किस्मत में जवानी के झटके। यस कमीन। सर ये लिफाफा मिला है, ये आप ही का है? हाँ तुम्हें कहाँ मिला? कोई रास्ते पर गिरा गया, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो चले गए। बेटी तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितने बड़े नुकसान से बचा लिया है। ये लो, ये रख लो। ये नहीं, बेटी कहाँ है? तो बख्शिश नहीं, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीता। वाह, जैसा नाम वैसा ही गुण। कहाँ रहती हो? साकार सोसाइटी शीरा नगर। मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहले ये बताओ कितने का पानी किया? सिर्फ 1200 रुपये का। शोभा तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 1500 रुपए, उसमें से तुमने 1200 रुपए सुसाड़ियों पे खर्च कर दिए। हर वक्त इसी तरह पैसा उड़ाओगी तो बाकी घर कहाँ से चलेगा? कहाँ से लाऊंगा पैसे? पैसा पैसा पैसा, अरे कौन सा रुकड़ा पैसा देकर आई हूँ, कर्जे से तो उठा कर लाई हूँ। कर्ज कमजोरी का पहला कदम है। अच्छा और आखिरी कदम? बर्बादी। तुम भी सुन लो मेरी बात, का घर बहुत आबाद है, ऐसी साड़ियों पर तुम्हें। सुधीर कुमार अगर दो मामूली साड़ियाँ खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी तो फिर मेरे बेटे से शादी क्यों की? हाय मेरे तो कर्म फूट गए। अरे कितनी बार समझा तुम्हें कि उतार दो एक खाकी वर्दी और लग जाओ हमारे बिजनेस में। मैं अपनी खुददारी बेचकर ससुराल के मेहरबानी के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता। चल बेटी अब ये घर तेरे रहने के लायक नहीं रहा। और सुनो जब तुम मेरी बेटी की खुशियाँ खरीदने के काबिल हो जाओ तब आना इसे लेने। चल। अरे बच्चे हमारे साथ तो ऐसे झटके झटके।
अंदर जमा कराए। जी डैड। हाँ वो डैड। जीरा जी मैं भी साथ में गया था, आपको तो मालूम है मेरा हर काम पक्का होता है। काम पक्का है इसीलिए तो टेंडर पक्की सड़क पर पड़ा था। एक तो मेरे बेटे को गुमराह करते हो और ऊपर से मेरी आंखों में धूल झोंकते हो। तुम्हारा इस घर में आना मना है, इसके बावजूद भी तुम इतने बेशर्म हो कि बार बार मेरे बेटे के साथ। मैं कैसी हूँ? मेरे भाई को देखा नहीं कि लगे चली पिटी सुना नहीं, और एक लिफाफा तो गिराया है, कोई जागे तो नहीं चली गई। शांति तुम चुप रहो जी, मुझे कुछ नहीं सुना है। जाओ तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जी बहना। जाओ। अरे शोभा तू अब तक वहाँ क्यों खड़े है? अरे घबरा मत, मैं अभी जिंदा हूँ, जा मेरे कमरे में जा। शांति देवी इस तरह बार बार बेटी के ससुराल में जाकर पति पत्नी के सुख में आग लगाना अच्छा नहीं है। देखो जी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? समझ में नहीं आता इस घर का क्या होगा। हे भगवान तुझे पता है? नहीं तो मुझे क्या पता होगा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, जीवन के सब। अरे सतीश जी आप मेरे घर पे? राकेश मेरी एक प्रॉब्लम आ गई यार, मेरे घर का पेंटिंग का काम चल रहा है और मेरी मुन्नी की टीचर उसे पढ़ाने आ गई है, इसलिए मैं उन दोनों को तुम्हारे। सतीश जी ये आपके तो घर है। थैंक यू। प्रॉब्लम क्या है? वेरी मच नो प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी। बी फॉर डॉग। जवानी के झटके और प्यास लगी है। प्यास लगी है जी? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ले 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 मुन्नी बेटे, मुन्नी बेटे बहुत प्यास लग रही है। वो क्या है ना बेटे गर्मी बहुत है, तुम्हें काम करो बेटे पानी से प्यास नहीं बुझने वाली, ये पैसे लो नीचे जाके आइसक्रीम खा कर आओ। और बेटे एक काम और करना, बहुत सारी आइसक्रीम खाना है, खूब सारी आइसक्रीम खाना, जल्दी वापस मत आना बेटे, गुड चाइल्ड। नमस्ते। कौन है आप? मुन्नी कहाँ गए और ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? टीचर जी बच्चों को तो आप कितना अच्छा पढ़ाती है, आज मुझे भी जवानी का पाठ पढ़ा दीजिए ना, जवानी के झटके। टीचर जी आज तो मैं बिना लेसन लिए नहीं जाने दूंगा। अब तो मैं जी फॉर गर्ल पढ़ी लूंगा। अभी घंटी नहीं बजी है। औरत मुझे इतनी कमजोर नहीं कि तुझ जैसा शैतान निकल जाए। जी फॉर गर्ल नहीं, फॉर मदर। ए माय सनी मेरे लिए रॉसल का है ना? हाँ। लगता है दुनिया भर को अकल बांटते बांटते तेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। क्या हुआ दादाजी? ये क्या है, एक मामूली कॉटन की साड़ी, अपने लिए सिल्क की साड़ी नहीं ला सकती थी क्या? ओहो दादू साड़ी सिल्क की हो या कॉटन की क्या फर्क पड़ता है, अच्छे संस्कार तो दोनों में एक जैसे नजर आते हैं। वाह क्या बात कही बेटी तुमने। सर आप आइए। दादू आप मास्टर रामदास जी तो नहीं है? आप कौन है? मैं घनश्याम, शिवपुर वाला घनश्याम, आपका स्टूडेंट। अरे घनश्याम घनु, जीते रहो बेटा जीते रहो। लगता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। ऐसी बात नहीं सर, सब आपका आशीर्वाद है। खुश रहो बेटा खुश रहो। आपको मालूम नहीं आपकी इस बेटी ने मुझे लाखों के नुकसान से बचाया है। अच्छा। इसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। लो बेटी इसे रख लो। जी इसकी कोई जरूरत नहीं सर, आप इसे कहीं नहीं इसे रख ले। रख ले बेटा रख ले, ये मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य है। रख ले रख ले बेटा। थैंक यू। क्या हो यार? अरे मामू इसको कहते हैं जवानी के झटके। झटके मगर 440 वोल्ट के, ये आदमी आने वाली, चल यार चलते हैं यहाँ से। ऐसा क्या बोल दे, हम भी देखें इन झटकों में कितना करंट है। वॉच आउट ये पिटेगा क्योंकि मैं पहले पिट चुका हूँ।
हाय गर्ल्स। हाय हैंडसम। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सी बीच में एक फंटास्टिक प्रोग्राम चल रहा है, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? हाँ क्यों गर्ल्स चले? हाँ चलो, तुम भी चलो ना, तुम लोग जाओ। आप भी चलिए ना। जी नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? मेरे अपने कुछ उसूल हैं। असूल तो आजकल हर गली के नुक्कड़ पे बेचे जाते हैं मैडम। उसे खरीदने वाले घटिया लोग होंगे, मैं गैरों के साथ कहीं नहीं जाती। गैरों को कभी अपना भी बना के देखे मेन साहब, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। लगता है ये थप्पड़ तुझे होश में लाने के लिए काफी है। सर, आपका शिष्य होने के नाते गुरु दक्षिणा देने की जगह आज मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मैं सीता बेटी का हाथ अपने बेटे प्रकाश के लिए मांगने आया हूँ। घनश्यामदास जी, आप कहीं मेरी गरीबी का मजाक तो उड़ाने नहीं आए? नहीं सर, नहीं। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन संस्कारों का खजाना नहीं। और आपकी बेटी सीता वो साक्षात संस्कार मूर्ति है सर। लेकिन संस्कारों से तो सिर्फ शादी नहीं होती बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुना था किशन के महल में सुदामा गए थे, लेकिन सुदामा की कुटिया में किशन को जाते आज पहली बार देखा है बेटा, पहली बार। तो मैं बात पक्की समझो, कल सीता बेटी को लेकर मेरे घर आप जरूर आ जाइएगा। आए वेलकम। चले आए जानम यूं फूलों में अटके, अब तो लग जाए जवानी के झटके। ये क्या बदतमीजी है? उस दिन मेरा फेंका हुआ एक फूल तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने मलिकाए हुस्न के लिए फूलों की सेज सजाई है। तो वो तुम्हारी हरकत थी? हां। हेलो, अपने इस आशिक को एक किस दे दो बेबी। जब तक तुझे फटके नहीं पड़ेंगे तेरे जवानी के झटके खत्म नहीं होंगे। अरे फट। तेरा ये जन्म मेरे ही झटके देखने के लिए हुआ है। देखे जा, देखे जा। तुम क्यों तांत्रिक कर रहे हो? फिल्म लाइन के हीरो हीरोइन की माफी के उल्लू का पट्टा और उल्लू की पट्टी रास्ते पर टाइलर कर रहे हैं। अकेला हाथ बंद करो। तुम लोगों को नहीं देखने का है, एडल्ट सीन है, एडल्ट सीन है। हम लोगों को देखने का डार्लिंग जॉनी जॉनी। तुम क्या जानो प्यार किस चिड़िया के नाम? देखा, तुमसे समझदार तो बच्चे हैं। प्यार तो मर्द लोग करते हैं। जो क्या मैं मर्द नहीं हूँ? ये पांडवों की फौज ऐसे ही पैदा नहीं हो गई है। हाँ, ये उधार के नहीं है, आपकी मेहनत के है। अरे चुप, अबे चलो नहीं तुम्हें। चलता हूँ ना, चलता हूँ ना, नहीं तो ये पांडव लोग अपने लिए द्रौपदी ढूंढने लगेंगे। अरे अजीब बच्चा लोग है, कभी ताली बजाता है, कभी नाक दिखाता है, कभी हाथ दिखाता है, कभी दांत दिखाता है, चक्का दिखाता है। अरे सामने जोनी, नहीं तो एक्सीडेंट था। अरे एक्सीडेंट हो गया है, उसी को तो मैं देख रहा हूँ। अरे ओ मालिक, तुम्हारा साहब घर पे है?
देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? मैं पूछ रही हूँ, प्रकाश साहब घर में है? अरे मेरी प्यारी प्यारी बहना, अगर वो सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए तो तुम तो सोने का पंखा झलोगी। अच्छा? हाँ, हेलो सोनिया। राकेश। कम 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 कम, प्लीज आइए। ये प्रकाश की मम्मी शांति देवी। हेलो। प्रकाश की सिस्टर शोभा। अपनी सोनिया। ब्यूटीफुल। हाय सोनिया। हाय प्रकाश। राकेश तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। सच कहा इसने, बहू हो तो ऐसी। शांति देवी, होने वाली बहू का चेहरा नहीं उसके कदम देखे जाते हैं। सोनिया ये मेरे डैड हैं। क्या ये? लेकिन मैं तो इन्हें घर का माली समझी थी। ये ठीक पहचाना आपने, घर के बागबान को माली ही कहते हैं और एक अच्छे माली को फूलों की और कांटों की सही पहचान होती है। क्यों चाचा जी है? बिल्कुल सही है। I'm sorry old man, let us forget it, yeah? And let us compromise. Shut up. दो कौड़ी की लड़की, तेरी ये हिम्मत? मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट? प्रकाश, राकेश, अब मेरा यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो गया। मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ, वैसे भी तुम इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो। चाचा जी मैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। इस नमूने को भी बाहर ले जाओ। प्यार से चलते होंगे, जवानी के झटके मारने पड़ेंगे। आपने ये क्या किया चाचा जी? किया है मैंने, तितली की तरह डाल डाल घूमने वाली लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। और सुनो, कल तुम यहीं रहोगे, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात कहीं और चलाई और वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, समझे? मगर डैडी, तुम जा सकते हो, मुझे और कुछ नहीं सुना है। कौन है वो लड़की? मेरे गुरु रामदास जी की पोती। क्या वो संस्कारी है? बिल्कुल, और तुमसे कहीं ज्यादा। और पैसे वाली? संस्कार कोई पैसे वालों की जागीर नहीं होती। तुम चाचा भतीजा कुछ भी करो, मेरा लड़का तो मेरी पसंद की लड़की लाएगा। चाची, चाचा जी को इस घर के लिए बहू चाहिए। क्या ब्रेड आंसर नहीं चाहिए? लव टू लव। चल शोभा। क्या शोभा? चुप। अमर, भगवान जब ये अक्ल बांट रहा था तब तेरी चाची कहाँ थी? कहाँ थी तेरी चाची? झोपड़ी होती। सो रही थी। सो रही थी। चांदी की साइकिल, सोने की सी, आओ चले डार्लिंग चले डबल सी। चांदी की साइकिल, सोने की सी, आओ चले डार्लिंग चले डबल सी। भी जमा है, तुम भी जमा हो, बोलो जी बोलो, चलना कहाँ है?
यमुना की राहों में। कोई जन्म हो मेरे सनम हो टूटेगी ना अपनी पे। आज भी डार्लिंग चले जब सी चांदी की साइकिल सोने की सी। आज भी डार्लिंग चले जब सी। हाँ सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे? अजी कह के तो देखो। जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो। अच्छा हुआ। ये बेटा प्रकाश। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठिए। रामदास जी। जी। सीता बेटी नहीं आई? उसके स्कूल में बच्चों की परीक्षा चल रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं उसकी तस्वीर लाया हूँ। हाँ हाँ। ये लीजिए। लाइए। तर मैं भी तो देखूं। मेरी होने वाली भाभी कितनी खूबसूरत है। लो भैया जरा गौर से देख लो। लगता है ये थप्पड़ तुझे होश में लाने के लिए काफी है। ये आपकी बेटी है? हाँ बेटे। मुझे ये शादी मंजूर है। छोटी छोटी बातों पर शोभा सुधीर से झगड़ा कर लेती है और अब तुम्हारी चाची उसे पति का घर छुड़वा कर यहां ले आई। अब तो मैं सुधीर से नजर भी नहीं मिला सकता। अमर, मैं चाहता हूं तुम किसी तरह सुधीर को मनाकर प्रकाश की शादी में आने के लिए राजी कर लो। अरे आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, सुधीर भैया को तो मैं मना लूंगा। सारी अशांति की जड़ तो तुम्हारी चाची है। पता नहीं उसके मां बाप ने उसका नाम शांति कैसे रख दिया। बाय मिस्टेक रख दिया होगा। आई आई, तुम तो हमेशा तूफान मेल की तरह आते हो। चल पहले कपड़े धो ले। मैं अभी आई। अरे ठहरिए मेम साहब, मेहमान को दरवाजे पे खड़ा करके जा रही हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक? क्या करूँ, साया आगे आगे सूरज पीछे पीछे। अच्छा, और अगर सूरज आगे होता? साया पीछे पीछे। तो मैं हूँ, मगर तुम ये बताओ कि इसमें कसूर किसका है, साये का कि सूरज का? दोनों का। दोनों का है ना? अरे आशा कौन है? नमस्ते जय जी। अरे अमर तुम घर में सब कैसे? सब फसला से। आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? सुधीर भैया, मैं और चाचा जी शोभा के बर्ताव से बहुत शर्मिंदा है। खैर, चाचा जी बहुत याद करते हैं आपको और मैं उन्हीं के कहने पर आपको प्रकाश भैया की शादी पर इनवाइट करने आया हूँ। ये रहा कार्ड। थैंक यू। आप बैठो, तुम्हारा इनसे परिचय करवा दूँ। इनसे परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं, इनसे तो सारा का सारा कॉलेज परिचित है। मतलब
तुम एक दूसरे से पहले मिल चुके हो। कॉलेज में एक साथ हैं हम। अरे भाई तुम्हारी भाभी के कजन है। भाभी के कजन? फिर इनका यहाँ क्या काम? देखो अशोक, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह परिवार का हर सदस्य एक जैसा नहीं होता। तो मेरी शादी में यहाँ नहीं थी, इसलिए अमर को नहीं जानती, वरना अमर बहुत जिंदा दिल लड़का है। एनीवे, जब चाचा जी ने मुझे इतने प्यार और इज्जत से बुलाया है तो मैं शादी में जरूर आऊंगा। जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ, ड्यूटी का वक्त हो गया। हाँ भैया, वैसे भी पुलिस वालों को वक्त का पाबंद होना ही चाहिए। और सुनो, अमर बहुत दिनों के बाद घर आया है, इसलिए मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि लोग कितनी जल्दी बेमानी पे उतर आते हैं। इनका यहाँ क्या काम? वाह, खैर सुनाने तुम्हारे भैया ने क्या कहा? मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओहो मेहमान जी, कहिए कैसे नवाजे आपको? कैसे? ऐसे। तुम्हारी मर्जी के बगैर उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर तुम्हारे सर पर बिठा दिया। तो क्या हुआ? घर की मालकिन आखिर मम्मी है ना? अरे काहे की मालकिन? तो कमी नहीं है, काम चोर है। बर्तन दो, कपड़े दो। अरे क्या दबा। ए, ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ अरे बहना, ये मैं नहीं कर रहा, ये वो कहेगी, वो तुम्हारी बहू। और अगर तुमने जरा भी चूचा की तो झटके मार के घर से बाहर निकाल देगी। अच्छा तो मेरे अच्छे भैया तू भी सुन ले, अरे उस लड़के ने जिस घाट का पानी पिया है उस घाट पर मैंने कपड़े धोए हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। वाह, आखिर हम भी तो देखें ये सूरत इस घर के लायक है कि नहीं। वाह जी हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें, असूलों को गली गली के नुक्कड़ पर खरीदा जाता है। सुनिए, हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, पिछली बातों को भूल जाइए। तुम कहती हो तो भूल जाते हैं, वाई नॉट। ये तुम्हारे थप्पड़ का जवाब है, अब जिंदगी भर इस घर की चार दीवारी में सड़ती रहो। सुनिए, ये सरासर अन्याय है। प्रकाश क्या हुआ, कहाँ जा रहा है तू? जहन्नुम में। स्वर्ग छोड़कर जाने वालों के लिए जहन्नुम ही बाकी रहता है। हमारे टुकड़ों पर पलने वालों के साथ मुझे बहस करने की जरा भी आदत नहीं है। क्या हो गया है? क्या कहा? प्रकाश सुहाग रात में घर छोड़कर चला गया? हाँ मामा, यही मौका है बदला लेने का। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी प्रकाश कहाँ है? वो सो रहे हैं। सो रहे हैं भाभी? अच्छा इंसान अपनी अच्छाइयों से दूसरों की बुराइयों को ठीक तो कर सकता है, मगर उन पे पर्दा नहीं डालता। अमर, कल रात जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। भाभी, अरे तुम तो वो आईना हो जिसमें चाचा जी ने इस घर के सुख का सुनहरा सपना देखा है।
लेकिन मैं अकेली। ओहो, इस घर में तुम्हारा ये छोटा देवर है ना हर कदम पे तुम्हारे साथ। अपना पहला दिन हंसते और मुस्कुराते हुए शुरू करो। चलो हंसो हंसो हंसो। हाँ, ये हुई ना बात। जा गई फूलन देवी आंटी। मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। क्या कर रहे थे ऊपर? जी माँ जी, मैं घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप तेरे दादा ने नौकरों की फौज नहीं भेजी है यहाँ। कुछ खाना वाला भी बनाना आता है? जी, इस घर में कोई मामूली खाना नहीं बनता। हमारे खाने में भी अमीरी की खुशबू आती है। ये लो लिस्ट और जाओ किचन में। महाराज, मालिक ये आया। आपने बुलाया मालकिन? हाँ महाराज, तुम आज खाना नहीं पकाओगे, समझे? जी। देखो, तुम दोनों आज सिनेमा देखने चले जाना। ये लो पैसे। अटेंशन प्लीज, महाराजाओं के महाराज, रसोइयों के सरताज, अमर कुमार हाजिर हैं। ये है आपका बीए पास देवर कम कुक यानी के 2-in-1। आज आपको इस रसोई घर की भूगोल लेने के ज्योग्राफी दिखाएगा। खुल जा सिम सिम। यस, धनिया मिर्ची जीरा हल्दी और ये है गरम मसाला। इस घर की तरह गर्मा गर्म है और दर्जे में है आला। और ये है सब्जियां आलू गोभी कद्दू। ये है तीखी मिर्ची तुम्हारी ननद की तरह पुद्दू। और ये है वो ऐतिहासिक छुरी जो बहुत तेज चलती है, बिल्कुल तुम्हारी सास की जुबान की तरह। अमर, तुम क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ ले रहे हो? हर दुखियारी भाभी का सहारा उसका देवर ही होता है। तो हो जाए शुरू? हाँ, हो जाए। खुशबूदार खाना इससे पहले तो हमारे घर में कभी नहीं पका। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। लेकिन शांति देवी, ये तो कमाल हो गया। अरे कमाल नहीं चाचा, धमाल हो गया। ये रहा ताजा लज्जतदार और गर्मा गर्म खाना। पूरिया, कचौरिया, सब्जियाँ, दाल पुलाव वगैरह वगैरह वगैरह, मिठाइयाँ। अरे वाह, ये है भाभी के जादुई हाथों का कमाल, बेमिसाल। ये क्या पूरिया है, बिल्कुल चमड़े की तरह ठंडी? अरे चाची, अंदर तुम्हारी तरह गर्मा गर्म पूरिया तली जा रही है। ये चाची के लिए पूरिया पेश की जाए। ये पूरिया 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 पूरिया, ये लो, है ना गर्म? शोभा तुम भी। तुम्हारी बहू, तुमने पहले दिन खाना पकाना शुरू कर दिया। रसोईया कहाँ है, नौकर कहाँ गए? रसोईया अपनी मर्जी के खिलाफ बीमार हो गया है और नौकरों को जबरदस्ती पिक्चर देखने के लिए भेज दिया गया है। बोलो शोभा जी की जय। ये कोई खाना है? सब्जी तो जली हुई है और चावल तो बिल्कुल कच्चे हैं। दाल में नमक ही नहीं। अरे हाँ रे, यही खाना बनाया है तुमने? अगर तुम भाभी से अच्छा खाना पका सकती हो तो अपने ससुराल जाकर अपने पति को क्यों नहीं खिलाती? मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है, हम कहीं बाहर खाना खाएंगे, चल। अरे बाहर ऐसी बाहर कहाँ चाची। शांति देवी, भरी हुई थाली ठुकराना ये भगवान का अपमान है। राम राम। अरे अपने भगवान का तो ये सुबह शाम अपमान करती रहती है, क्या भगवान बचाए। अरे बहू, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे 30 सालों में मैं तुम्हारी सास को खुश नहीं कर सका और तुम्हें तो इस घर में आए हुए 30 घंटे भी नहीं हुए। चल बैठो। हाँ हाँ, बैठो बैठो, खाना वाना खाओ। हाँ। आज खाने का और भी मजा आएगा अंदर की बात। हाँ, बिल्कुल। इससे कहते मर्दानगी के झटके, एक ही थप्पड़ में सारा घमन चूर चूर हो गया। और मामू, क्या प्रोग्राम है यार? प्रकाश, इस घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की कमी थी,
इसे लाके तूने वो कमी भी पूरी कर दी। पति का काम करना पत्नी का फर्ज है, पत्नी पति का दर्पण होती है। सीता ये तुम क्या पकड़ी? वाह प्रकाश वाह, लोग रावण को बुरा कहते हैं मगर रावण ने भी कभी सीता पर हाथ नहीं उठाया था। अबे ओ सीता के लक्ष्मण, अपनी हद में आकर डैडी ने जरा लिफ्ट क्या दे दी, अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगा है। इस घर का मालिक तो तुम अपने आप को समझने लगे हो, पराए लोगों की बातों में आकर अपनी देवी जैसी पत्नी की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे ओए जवानी के झटके, मेरे दिए हुए फटके तेरे सड़े हुए दिमागी कंप्यूटर में अच्छी तरह फिट नहीं हुए क्या? इस घर में तो गूंगे भी झटके देने लगे। चला हेलो सीता, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। करिए मैं माँ जी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं मुझे तुमसे ही बात करनी है। मुझसे? हाँ सीता, आज शाम को यूथ क्लब में हमारे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी है। जिसे आपने पत्नी का अधिकार नहीं दिया, अगर वो पार्टी में आ जाए तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी? सीता तुम्हें तो कहा था पिछली बातें भूलकर हमें नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। मैं नहीं आ सकती। अगर तुम नहीं आओगी डार्लिंग तो हमारी वहाँ बेइज्जती हो जाएगी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तो मैं ये समझू कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ सीता हाँ, तुम्हें मेरी कसम सीता तुम आओगी ना? प्लीज डार्लिंग प्लीज। हाँ। हमारी बेइज्जती का बदला सीता से पार्टी में जम कर लेंगे। ए भाभी 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे बाबा 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 क्या बात है, अचानक बड़ी खुश लग रही हो। अमर वो आज, आज क्या हुआ? आज हमारी शादी की खुशी में एक पार्टी है, तुम्हारे भैया ने मुझे बुलाया है। आए, शादी की खुशी में पार्टी और भैया ने तुम्हें बुलाया है? हाँ, हाँ, अभी अभी उन्हीं का फोन था, सब कुछ ठीक हो गया। अमर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भाभी मुझे ऐसे लगने लगा था कि नहीं है मगर है। क्या भगवान उसने तुम्हारी सुन ली। क्या बात है, दैट मींस नो फिकर फॉर एवर, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बात है तुम्हारी चांदी हो गया। भाभी इस घर में पहली बार तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या बात है महारानी, बहुत चट रही हो। माँ जी आज आज उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया है। लो आज उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया है, बेशरम कहेगी। घर में अचार के मसाले आ पड़े हैं, उन्हें कूट पीस कर तैयार करने के बजाय शोभा इसे पार्टी याद आ रही है। देखो ना मामा। नहीं तो क्या, जा स्टोर में मसाले की चार बोरियां पड़ी है, उसे कूट पीस कर आज ही तैयार करना है, समझे? मैं कुछ सुना नहीं चाहती, चल शोभा। चलो मामा। माजी आज उन्होंने मुझे पहली बार, मैं कुछ सुना नहीं चाहती, तू अगर काम नहीं करेगी तो मसाले कौन पीसेगा? तेरा वो कलमो दादा आसमान से उतर कर तेरा बाप आएगा। मैंने आज तक किसी काम से इनकार नहीं किया, फिर मेरे बाप दादा को क्यों बीच में लाती हो? क्या दो कौड़ी की लड़की? देख हम लोग बाहर से आएंगे तब तक मसाले पीस कर तैयार हो जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुझे पीस डालूंगी, समझी? बड़ी पार्टी में जाएगी। नहीं तो क्या, चल सोगा। चलो मम्मी। अरे क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले गया तो तुम्हारे चेहरे से चांदनी बरस रही थी, ये अचानक काले बादल क्यों घिरा है? अमर लगता है मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगी। क्यों? माँ जी मसाले की चार बोरियां छोड़ गई हैं, आज ही कुटने के लिए। तो ये नाटक है। अरे डोंट वरी फिगर नॉट भाभी, आखिर तुम्हारा ये लक्ष्मण जैसा देवर कम सेवक टू इन वन किस दिन काम आएगा, तुम पार्टी जरूर जाओगी। लेकिन कैसे? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले आसो 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 आसो। ये हुई ना बात, नाउ डोंट वरी फिगर नॉट, मैं यूं गया और यूं आया। आ जाना आ जाना आ जाना जरा हाथ बटाना, आ जाना जरा हाथ बटाना। भाभी के सर पे मुसीबत पड़ी है, भाभी के सर पे मुसीबत पड़ी है, रामा का जब मुश्किल की घड़ी है, इनको पिया से, ओ, 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 ओ,
सासू जी इनकी करेले का फूल, सासू जी इनकी करेले का फूल, बैरन न नदिया जो बेबन के शूल, बैरन न नदिया जो बेबन के शूल, ओ सासू जी इनकी करेले का फूल, बैरन न नदिया जो बेबन के शूल, बाबुल के जैसा ससुर जी का प्यार, क्या बात है चाची, क्या बात है शोभा, इतनी तेजी इतनी स्पीड, अरे 8 दिनों का काम तुम दोनों ने 8 घंटे में किया कैसे? काम करे हमारी जूती चुड़ैल कहेगी। हाँ कौन चुड़ैल? चाची चुड़ैल। हाँ हाँ चुड़ैल, चाची चुड़ैल। चुप चुप, अरे, अरे, अरे चाची को चुड़ैल बोलती है? अरे इस घर में तो देवी और देवता रहते हैं, गुनाह हो के। अरे मैंने सच क्यों बोल दिया यार? वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, हियर कम्स आवर मोस्ट ईगरली अवेटेड गेस्ट मिसेस प्रकाश यानी सीता देवी, अ टिपिकल इंडियन लेडी। फ्रेंड्स गिव हर अ बिग हैंड। ये 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 वेलकम वेलकम, हियर कम्स माय वाइफ, मीट माय फ्रेंड अशोक देसाई। हेलो
जी नमस्ते। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू एंजॉय, लेट्स हैव सम म्यूजिक। Baby, come on, come on, move, 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 check your neck, come on, yeah, come on, everybody. Mrs. Prakash, let's dance. माफ कीजिए, मुझे ये सब पसंद नहीं। Look, Sita ji, everybody is dancing happily. Why not me? I'm sorry. Come on. Come on, dear Sita ji. Leave me. Behave yourself. मेरी पार्टी में मेरा अपमान? अशोक यार, I'm very sorry. Sorry, Prakash. लगता है तुमने किसी 1936 के मॉडल के साथ शादी कर ली है। You're right, correct. Actually, इसको इस पार्टी में आने की बजाय भजन मंडली में जाना चाहिए था। ये क्या जाने, हम जैसे हाई सोसाइटी के लोगों की सभ्यता क्या होती है। Oh, yeah! क्या इस तरह खुलेआम अपने जिस्म की नुमाइश करना सभ्यता है? गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर नाचना सभ्यता है? अगर यही तुम्हारी सभ्यता है तो लानत है ऐसी सभ्यता और सोसाइटी पर। अरे वारे मेरी जवानी के झटके, एक तो इस पार्टी में आके पार्टी का कबाड़ा कर दिया, ऊपर से फटके फटके मार रही है, ये भाषण दे रही है, तू सुन रहा है? ना जाने क्यों इस जाहिल गवार को मैंने इस पार्टी में बुलाया, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ कर बैठूं। दबाओ जो, गेट आउट, आई से गेट आउट। हो गया, रिलैक्स बच्चे, रिलैक्स। अपमान अपमान अपमान, मुझे मालूम था कि तुम्हारे साथ यही सुलूक होने वाला है। कब तक, आखिर कब तक अन्याय की आग में जलती रहोगी? एक बात कहूं भाभी, अगर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन क्या करूं, सहती इसलिए हूं कि कभी तो सुख आएगा। जिसकी तुम उम्मीद लगाए बैठी हो, उस सुख का सूरज इस घर में ऐसे नहीं उगेगा, उसके लिए तुम्हें इन लोगों का सामना करना होगा। नहीं अमन, नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो बैर और बढ़ता जाएगा। किस बैर की बात करती हो भाभी, तुम किस बैर की? अरे इतना सीधापन भी किस काम का, जो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करने से रोके। देखो भाभी, अगर तुम इस घर में ऐसे रहोगी तो ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, जीना। अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। अगर देर हो गई तो बहुत पछताओगे भाभी, बहुत पछताओगे। जी हाँ, तुम्हें पैसा देने के लिए कैशियर को मैंने मना किया है। लेकिन क्यों? इसलिए कि देवी जैसी भाभी को ठुकरा कर बाजारों लड़कियों पर लौटाने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है। भाभी के चमचे, तेरी ये हिम्मत? प्रकाश प्रकाश, बहुत हो गया अभी। इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, तू कौन होता है? प्रकाश, घटिया औरतों के तलवे चाटने वाला तू, तू क्या जाने घर की लक्ष्मी की कद्र? आप मुझे पैसा देते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे सीधी तरह पैसे नहीं मिले तो आप याद रखिएगा, मैं आपको अदालत में खींचूंगा। तू अपने बाप को अदालत में घसीटेगा? कैसा बाप, कैसा रिश्ता? मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीवे, आप कोर्ट में मिलेंगे। प्रकाश, प्रकाश, अबे लल्लू, जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तू बूढ़ा हो चुका होगा, और फिर तूने जो सोनिया को हार देने का वादा किया है उसका क्या होगा? अरे यार, तू ही तो कुछ सोचना, तुम्हारा खानदानी हार जो सीता के पास बेकार पड़ा सड़ रहा है, किस दिन काम आएगा? वाह मामू वाह, तू तो गुरु है गुरु। हाँ, तो फेर ले खोपड़ी पे अकल का झाड़ू और हो जा शुरू। That's it. अब देखो जवानी के झटके। Thank you.
कर रहे हैं आप? अपने ही घर में चोरी? तुम एक बात जान लो, जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती उसे मैं छीन लिया करता हूं। क्या वो चुड़ैल हमारा खानदानी हार चुरा कर ले गए? अरे मेरी प्यारी बहना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो हार अपने बुड्ढे खुसर दादा को दे आई है। तू खुद ही उससे पूछ ले। जी, नेकलेस मेरे पास नहीं है। तो फिर गया कहाँ? वो मैं नहीं बता सकती। हरामखोर, ये क्यों नहीं कहती कि अपने कलमुए दादा के इशारे पर भुखमरी मिटाने के लिए वो हार तू उसे दे आई है? बस माँ जी बस, आज तक मैंने चुपचाप आपके सारे अत्याचार सहे हैं, लेकिन अपने दादा पर लगाए गए झूठे इल्जाम सह नहीं पाऊंगी। चुड़ैल, हमें अंधा समझती है? हमें आंखें दिखाती है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़े नाला। अपने आप को शांति, भगवान की खातिर मत मारो उसे, छोड़ दो उसे। शांति शोभा, मत मारो उसे, मैं कहता हूँ। दोनों ने मऊ पर बहुत अत्याचार किए हैं। भगवान कभी कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मैंने जान बूझ कर तुम्हें नरक की खाई में धकेला, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे मेरी सारी संपत्ति मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, इसलिए उसका बंटवारा मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने स्वर्गवासी भाई के बेटे अमर के नाम करता हूँ और आधी प्रॉपर्टी अपनी बहू सीता के नाम करता हूँ। बंगला मेरी धर्म पत्नी शांति देवी के नाम होगा और प्रकाश खर्चे के लिए बहू सीता से हर महीने 5,000 रुपए लेगा। सॉलिसिटर साहब, जीजा जी ने वसीयत होशो आवाज में ही बनवाई थी ना? जी हाँ, ये वसीयत मैंने खुद लिखी है। ठीक है ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी नमस्ते। प्यारी बहना, ये जीजा तो जाता जाता भी झटका दे गया। पता नहीं उस जादूगरनी ने और उस कमीने भतीजे ने उन पर क्या जादू किया था। अगर सारी जायदाद वापस चाहती हो तो उन दोनों को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकना होगा। हा? लेकिन कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। दादू, दादू, सब अचानक हो गया दादू। क्यों रे? मेरे पति ने आंखें क्या बंद कर ली? तूने चोर उत्तकों के लिए मेरे घर के दरवाजे खोल दिए? कह रही तू चोरी करके पहले से ही इस बुड्ढे को पहुंचा आई है। नहीं तो क्या, अब क्या सारी जायदाद इसी के नाम कर देगी? शोभा, ये क्या बदतमीजी है? अरे अब तो ये बिल्ली पंजे भी मारने लगी है। अरे चुपड़ा, समझ से बात कर। तू कमीनी है, नालायक है, काम चोर है। अगर ये सब कुछ भी ये महारानी तुमसे कहे तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्वर्गीय जीजा जी इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन इन्हें बना गए और इनके साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? राकेश, इस बुड्ढे को धक्के मार मार कर घर के बाहर निकाल। अरे अब भी ले बहना, नई मालकिन जी तेरी ये मत तो मुझे कसम भाभी। अरे चाचा जी क्या गुजर गए? इस कमीने ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? मैं भी इस घर का बहुत कुछ हूँ। चाची, इस घर में बड़ी होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इसे संवारो, मगर तुम तो इस घर को तोड़ने पर तुली हुई हो। और ये शोभा अपने ससुराल में तो आग लगाकर बैठी है, अब इस घर में भी आग लगा रही है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुनने कभी ने, हमारा अभी तक मारा नहीं है, जिंदा है। अगर इस घर की तरफ उंगली भी उठाई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। झट आइए दादाजी, मैं आपको घर से छोड़ दूं। अब अभी
अरे भैया जी, हलवा क्या भाव दिया? 40 रुपए किलो है बाबूजी। बड़ा महंगा जी, क्या भाव दिया? ये 10 रुपए किलो है, लेकिन इसमें घास रेट गिरा हुआ है बाबूजी। ये इंसान के खाने के काबिल नहीं है। बहुत अच्छे, मुझे 200 ग्राम दे दे जल्दी से। ठीक है बाबूजी। ये ले। जय माता दी, जय माता दी, प्यारी बहना जय माता दी, खुशी की घड़ी आ गई, मुबारक हो। अरे मैंने एक ही झटके में तुम्हारे बेटे को टाटा बिरला की लाइन में बिठाने का इंतजाम कर दिया है। तुम ये प्रसाद लो बहना, लो खा लो। अरे ये क्या करती हो बहना, भगवान का प्रसाद थूक दे, भगवान तेरे मुंह पर थूक दे। खा जाओ खा जाओ खा जाओ, प्रसाद में टेस्ट नहीं देखते, खा जाओ शाबाश। आखिर बात क्या है? प्रकाश के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री का भूमि पूजन करके आया हूं। अरे वाह, क्या दूर की थोड़ी सोच के आया है। जीजा जी के बाद इस घर का भला सोचने वाला मेरे सिवा है ही कौन। और बहना, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री का भूमि पूजन तो कर आया हूँ, लेकिन काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे तो। अरे वो ना, कितने चाहिए? सिर्फ 5 लाख। 5 लाख बस? अब दे दिलाती हूँ। सीता जरा ऑफिस से चेकबुक मंगवा कर इसे 5 लाख का चेक तो दे दे। सीता को क्यों तकलीफ देती हो, मैं आते आते ऑफिस से चेकबुक ले आया था, झटके के साथ 5 लाख का अमाउंट दिया, तुम जरा सीता के साइन करो। लेकिन उन्होंने तो फैक्ट्री के बारे में कभी फिक्र नहीं किया, मैं उनसे सलाह मशवरा किए बिना एक पैसा भी नहीं दे सकती। तेरी ये मजाक, मैं सर पे चढ़ कर बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने पति की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन पहले मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाए कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। भगवान का? अरे नहीं बहना, नहीं, भगवान के लिए नहीं, इस घर की नई मालकिन के साथ बात करने का तरीका सीख ले, वरना तुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगी। वैसे भी इसकी नजरों में तेरी कोई इज्जत नहीं है, तू कोई मालकिन नहीं है, तू कमीनी है, बेकारन है, नालायक है। इसकी नजरों में माँ जी, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, ये आदमी आस्तीन का सांप है। ये तो अपने आप को झांसी की रानी समझने लग गई है। पर समझेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि घर के अंदर इसका प्यारा प्यारा कुंवारा देवर जो घूमता रहता है खुले सांड की तरह, न कोई आगे न कोई पीछे, मैदान पूरा का पूरा साफ, दो नौजवान खिलाड़ी और खेल चालू, वैसे भी प्यार में सब जाता। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, सीता जरा लक्ष्मण रेखा पार करने लगी है, उसकी ये हिम्मत मैं अभी देखता हूँ। सबर कर मेरे झटके, धीरे धीरे सब देख लेगा तू, सब देख लेगा। ये नींद की गोलियां नहीं है, ये बंदूक की गोलियां है, अब देखना कैसे लगते झटके झटके। सुबह समझ गई। अरे शोभा तुम? अमर, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, कल मैं अपने पति के घर चली जाऊंगी। कहते हैं जहाँ खुल जाए वहीं सवेरा होता है। लो ये दूध पी लो। तुम रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। बाद में क्यों? अपनी बहन की बात नहीं मानोगे? देखो रात बहुत हो चुकी है, चुपचाप दूध पीकर सो जाओ। अच्छा लाओ पी लेता हूँ। ये लो बस। गुड नाइट। गुड नाइट।
पता कैसे आ गया? अच्छा तो तुम ये पूछोगे मेरी जवानी के झटके कि ये कमरा किसका है, और फिर तुम ये पूछोगे मेरी जवानी के झटके कि तुम दोनों रात भर इस कमरे में क्या कर रहे थे? क्या बात है अमर, क्या हुआ? और लो लो और सुनो, साफ साफ कहो कहना क्या चाहते हो? कहता था कभी रावण ने भी सीता पर हाथ नहीं उठाया है। मेरी जवानी के झटके, तू तो सारी रात हाथ साफ कर रहा था। प्रकाश अमर, प्रकाश तू पीछे बता, हम चुप रहो। ये सब झूठ है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अमर से कुछ नहीं कहना। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा यहाँ से, निकल जा, तू इस घर के लायक नहीं है, गेट आउट। प्रकाश तुम कर, इसमें जरूर किसी की चाल है। यू स्कॉन्डल, पहले तुम मेरी प्रॉपर्टी पर सांप बनकर बैठ गया, उसके बाद तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, अब तू इस कमीनी की तरफदारी करने आया मेरे पास। बेटे मैं तुझे फिर देख लूंगा, पहले इस बच्चलन को तो यहाँ से बाहर निकालूं। अगर यही बात है तो इस घर से भाभी नहीं मैं जाऊंगा, मगर एक बात याद रखना प्रकाश, भाभी और देवर का रिश्ता माँ बेटे का पवित्र रिश्ता होता है, और इस पर कीचड़ उछालने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता। अमर, 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 रुक जा अमर। सारी दुनिया तो मेरी दुश्मन बन गई, एक तुम्हारा ही सहारा है, तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। नहीं भाभी, तुम्हारे आंचल का दाग बनकर मैं इस घर में नहीं रह सकता, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे भाभी। समान है, अगर आप भी मुझे गलत समझेंगी तो इस घर में मुझे कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? तू ठीक कहते बेटी, भूल जाओ उन बातों को, तेरे ससुर तेरे पिता समान थे ना, है ना? तो फिर चल, आज शाम को फूल देवी के मंदिर में जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, कुलदेवी का मंदिर कहाँ है? कुलदेवी का मंदिर मैं बताता हूँ। चलो आओ तुम्हें भगवान के दर्शन करा। बस से बचाओ, बचाओ।
शाहजादे कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगे। इससे घर छोड़ने के बावजूद मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे था। अपने अच्छाइयों का अंजाम, अपनी चिता को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख लिया ना। इन आग की लपटों में जल रहा है बहु का त्याग, उसकी सेवा, उसकी तपस्या। भाभी अब भी वक्त जाग जाओ और अपने इन आंसुओं को दहकते हुए अंगारों में बदल दो। अगर हम लोगों ने इन्हें माफ कर दिया और ये जालिम इसी तरह कह कह लगाते रहे तो इस देश में कहीं ना कहीं कोई सीता कोई सावित्री इसी तरह चलती रहेगी। हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा, वरना ये नारी जाति ये समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ठीक कहते हो अमर, ठीक कहते हो। आज तक मैं हर जुल्म चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मैं सीता से दुर्गा बनूंगी, एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। Yes, yes. It is about to start any moment. क्यों भाई साहब, 8 बज गए, आप नीलामी की शुरुआत क्यों नहीं करते? आई एम सॉरी मैडम, जब तक कलकत्ता की मशहूर करोड़पति मिस कामी देवी यहाँ नहीं आ जाती हम ये नीलामी शुरू नहीं कर सकते। मेरी जवानी के झटके, करोड़पति हो या अरबपति, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हम इंतजार नहीं करते। चुप हो जाओ। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं शुरुआत करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है वो हीरो का चमकता हुआ नायाब हार। हाँ तो सच लो, अपनी अपनी बोलिए बोलिए, बैट लगाइए, बोलिए बोलिए। नगद राम जी आप प्लीज आई आई। क्या ये हमारी मैडम कामनी देवी की आए बिना ऑक्शन स्टार्ट करने की तारी हिम्मत कैसे हुई खड़े खड़े? ओ जी बात ऐसी है। बात क्या है? ओ जी बात ऐसी। शट अप। हमारी मैडम वक्त के साथ नहीं चलती, वक्त हमारी मैडम के साथ चलता है। जी जी क्या मुंडी घुमाओ, वो देखो हमारी मैडम आ रही है। कितनी खूबसूरत है। आओ जी, शाल भी लगती है। आओ जी, आओ। नगद राम जी। हाँ जी। क्या बात है? ओ मैडम जी, आपकी मौजूदगी के बगैर इन लोगों ने ऑक्शन स्टार्ट करने की हिमाकत कर दी है। इनसे पूछो ये सारे जेवरात की कीमत क्या है। अपनी औकात भगोए। अजी इन सब जेवरातों की कीमत सिर्फ 25 लाख है। हम 30 लाख देंगे। बताओ। मेरे 35 लाख। 40। 45 लाख। 50 लाख। अब बोलो। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। बेटी 50 पैसे होंगे इसके पास। 50 लाख। 50 लाख। नगद राम जी पे इन कैश और ये सारे ज्वेलरी कलकत्ता हाउस पहुंचा दो। जाओ जी मैडम जी, हो जाए। वेलकम। आइए जी अक्षर साहब जी, आइए। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी मिस कामी देवी, मैं एक्सक्यूज मी मिस्टर बटरफ्लाई, वो हमारी मैडम बगैर अपॉइंटमेंट किसी से बात नहीं करती भाया, समझ में आया? जाओ, आओ जी मैडम जी। ये कामिनी देवी का चेहरा सीता जैसे नहीं लगता। अरे ओ बहना, कहाँ जले हुए मुर्दों को झटके देकर जिंदा कर रही हो? लेकिन ओ मामी, कहाँ वो फुड़ेल और कहाँ ये राजकुमार? बला क्या थी वो तो? ए मिस्टर, ये बिजली है या बला, कुछ बता सकते हो? हजूर ये करोड़पति सेठ करोड़ी मल की इकलौती कुंवारी कन्या है, बिजनेस टूर के लिए आती है, इनकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। यार राकेश, हुस्न और दौलत का संगम पहली बार देखा है। क्यों? मेरी जवानी के झटके, इधर आ। हुस्न को भूल जा, इसकी दौलत के बारे में सोच, अगर ये पट गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे,
समझ गया ना मेरे रोमियो? देखा सुधीर भैया, प्रकाश और राकेश बेताब है हमारे जाल में फंसने के लिए, अब आप भी उन पर ध्यान रखिएगा। ओ हो, तू फिक्र ही ना कर, तो भाई मैं तेरे साथ हूं खड़े खड़े। That's it, man. देख बच्चे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। देख भाया, जब तक मारी मैडम के साथ तारी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो जाती। चुप है, और तारे को नहीं इसको बोल रहा हूँ, जब तक मारी मैडम के साथ थारी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो जाती, मैं थारे को कंपनी के शेयर बेच नहीं सकता। और सुबह वो थारे को नहीं इसको बोल रहा हूँ, देख भाया, नगद राम को बकवास सुनने की आदत नहीं है खड़े खड़े, समझा? आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? जी हाँ, हम कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में हम कामनी देवी से मिलना चाहते हैं। हाँ, मिलना चाहते हैं खड़े खड़े। अरे मेरे पागल भाया, ये शहर के सारे व्यापारी यहाँ पर कबड्डी खेलने आए हैं क्या? अरे ये भी मारी मैडम को मिलना चाहते हैं, मगर मारी मैडम बगैर अपॉइंटमेंट के किसी को मिलती नहीं है। प्लीज आप हाथ हटाओ, आप बोलो। प्लीज आप जरा कुछ सोचिए ना। सोचू? चल सोचता हूँ, तुम्हारे बारे में सोच, मैं तारे बारे में सोचता हूँ। मैं समझा नहीं। अरे मेरे पागल भाया, मैं तो पब्लिक टेलीफोन हूँ, सिक्का डालो और बात कर लो खड़े खड़े। समझ गया नगद राम जी, मैं समझ गया। नगद राम है, नगद राम है, लाओ। अब बोलो कितने रुपए लगाने हैं? डेढ़ लाख। अरे मोरे पागल भाया, डेढ़ लाख? अरे मारी मैडम के कुत्ते इतने रुपयों के बिस्किट महीने भर में खा जाते हैं खड़े खड़े। क्या कुत्ते? अबे हाँ कुत्ते, कुत्ते। You bloody fool! अपने आप को समझते क्या हो? तुम जैसे दो टके के आदमी तो मेरे जेब में पड़े रहते हैं। Get out! I said get out! लेकिन मैडम, राम 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 राम, दो लाख के शेयर खरीदने आया था और कहते कि भेलपुरी की दुकान खोल लो। देखो भाया, दो लाख रुपए वाले की तो खाट खड़ी कर दी मैडम ने खड़े खड़े। अगर आपको मैडम के साथ बिजनेस करना है तो इसका थोड़ा वजन बढ़ाओ, जाओ। और वो अभी आप इतनी देर से खड़े क्यों है? घर को जाओ, माल बढ़ाओ, घर को जाओ, लेके आओ, जाओ। क्या कहा आपने? हाँ, अच्छा जी, अब हम तो चलेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम तो चलेंगे। अच्छा जी, कहा? अपने घर। जुल्म न कर, ए जुल्म न कर, कल परसों भी तुमसे मिलेंगे। अच्छा जी, चल क्या दिन डूब गया और रात हुई।
जादू प्रेम कहानी हो गई है ये बात पुरानी देख रात है बड़ी तूफानी मैं नहीं डरती दिल भर जानी रात हो गई तारे खिलेंगे प्यार करेंगे गले मिलेंगे अरे अरे कोई देख लेगा देखने दो रुक जाओ ना अच्छा जी अच्छा जी जलेंगे जाने भी दो ना प्लीज डर लगता है कल परसों फिर तुमसे मिलेंगे अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी प्लीज हाँ वकील साहब रख लीजिए ना हाँ, हाँ। देखिए आप मुझे रिश्वत देकर सीता देवी की वसीयत प्रकाश बाबू के नाम ट्रांसफर नहीं करा सकते आई एम सॉरी अब कहाँ से आएंगे इतने पैसे कैसे कुछ करेंगे कामनी देवी को कहीं वो भी हमारे हाथ से निकल न जाए ये वो राकेश से अब तक आया नहीं तुम सब भूखे हो नंगे हो चोर हो बेईमान हो कर क्यों ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये सेठ दलीचंद कह रहा है मार्केट में हम लोगों की रेपुटेशन इतनी खराब है कि लोग हमें झटके में झटके दे रहे हैं कोई हमें फूटी कौड़ी उधार देने को तैयार नहीं है तो अब क्या होगा एक आइडिया है क्या बहना तू अपने ये सारे कंगन निकाल और तिजोरी में रखे हुए सारे जेवर निकाल मैं पहले से तुम्हारे लिए 1.5 लाख के जेवर बेच चुकी हूँ अरे 1.5 लाख अरे तुम्हारे वो 1.5 लाख तो झटके खा कर वापस आ गए इतने पैसों के तो बिस्किट खा जाते हैं कामनी देवी के कुत्ते हर महीने अरे तुम्हारे ये गहने बेचकर मैं 5 लाख खड़े करूंगा तब कोई बात अरे मम्मी दे दो ना ये गहने इनसे मेरी जिंदगी बन जाएगी ले बाबा ले ले ला मेरो जी मैडम जी ये मिस्टर राकेश है नमस्ते जी मैडम जी जमो यार और ये मिस्टर प्रकाश एक छोटी सी मिल के मालिक है आई सी क्या मिल बेचना है आपके साथ बिजनेस में कुछ पैसा लगाना चाहते हैं कितना रकम है आपके पास 5 लाख बस सिर्फ 5 लाख तुमने तो कहा कि ये मिल मालिक है जी बात ये है आप ठीक कहती हैं लेकिन वो मिल इनकी स्वर्गवासी पत्नी के नाम है स्वर्गवासी पत्नी ओ सो सैड यू आर सो स्मार्ट हैंडसम यंग इतनी कम उम्र में आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई उनकी याद मत दिलाइए प्लीज वरना मैं अपने आंसू रोक नहीं पाऊंगा लगता है आप उसे बहुत चाहते थे चाहते थे कामनी देवी जी हम आपको क्या बताएं क्या लड़की थी वो क्या लड़की थी वो हम सब उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे पलकों
ऊपर बिठा के रखते थे। जिस दिन उसकी चिता जली थी ना, हमारा तो कलेजा फट गया था, कलेजा फट गया। मैडम जी, उस दिन जब रो रहे, आज तक हमारे आंसू नहीं थमे। आंसू संभाले भाया, आगे जरूरत पड़ेगी। तो शायद मिस्टर प्रकाश नगर राम जी। हाँ जी मैडम, ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में कुछ सोचो। अरे सोचना क्या है मैडम, मैं तो इनके लिए कुछ ऐसा सोचूंगा कि इन लोग भी सोचते रह जाएंगे कि नगद राम ने क्या सोचा। अब तुम लोग सोच क्या रहे हो? अरे मैडम, तारीख कहानी सुन के इमोशनल फूल हो गई है यार। तुम्हारा मतलब है कि फुल ऑफ इमोशन हो गई है। ला सारे पैसे मैं कुएं में डाल। मारा मतलब है कि मैडम की आसाम वाले तेल की कुएं वाली कंपनी में डाल। समझोगे नहीं? समझोगे? समझ गया। अगर तुम लोग समझ गए हो तो अभी तक गए क्यों नहीं हो? अभी तू इतनी देर से खड़ा क्यों है? काम हो गया ना, घर को जा। काम हो गया ना, घर को जा। जा देखा, वाह मामू वाह, काम नहीं और नगर राम को हमने हिला के रख दिया। अरे बच्चे, इस दौलत वाली को पटाने के लिए तो मैं इसका कुत्ता बन के पूछ लेता रहूं। एक्टिंग तो मेरे साथ भी की, वादा हमसे और इरादा कुछ और। अरे ओ, पुरानी जवानी के नए झटके, चल फुटिया से। और सुन, आइंदा अगर बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने की कोशिश की तो ऐसा झटका दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? आजा प्रकाश, भूल गया। वेलकम मेरी जवानी के झटके। जाने से पहले एक किस दे दो। कम ऑन, गिव मी अ किस बेबी, कम हियर, कम हियर। हे वाली जोड़ी। ये भी क्या करता है अपना भोपू बजाना? भो भो क्या भो, तो जिससे की आंख में देख रहे हैं। सला रुस्तम का रास्ता रोकने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है। ये सड़क है या जंग का मैदान? ये उल्टे हाथ से पड़ जाएगी ना तो बच्चे से बाहर निकल आएगी। गलती हो गई बाबा जी। एक तो गलती करता है, ऊपर से आवाज करता है, माफी मांग। माफी नहीं मांगूंगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अरे दिखता नहीं है, हमारा पांच शेर हमारे साथ में है और अक्का मोहल्ला इनको पांच पांडव बोलता है और मैं पांच पांडव का बाप हूँ, समझ लो मैं क्या होएगा। वो तो मरियल टट्टू था जो भाग गया, अबे तुम्हारा पाला रुस्तम से पड़ा है। सड़क पर गुंडागिरी करके छोकरे के साथ टाइला कटे। अरे अक्का, भिंडी बाजार, चीरा बाजार, दाना बाजार, लुंगी बाजार, नल बाजार, यहाँ तक के चोर बाजार का गुंडा लोग हमारे नाम से कांपता है थरथर। ये हमारे दिलनवाज को देखो, इसके पीछे मोहल्ले के सारे गुंडे लोग पड़ गए थे। जब डालेंगे आचार्य, हमने एक एक को मार के कैसा भगाया था। बोलिया करे तुमने क्या?
क्यों ऐसे पहलवान से पिटना चाहते हो? बाबा जी इनकी गलती माफ कर दो। माफ कर दो? साला ऐसे गुंडे लोगों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है दिए कि तुम बोलती हो तो हमारा थोड़ा मजबूरी है, माफ कर दिया। लेकिन दिए हमारा बात तो सुनो, अग्यारी में आओ। लाइन मार रहा संभाल लो इसको। ये सब बच्चा पांच पांच बच्चों का बाप हो गया, फिर भी छोकरी का पीठ पे हाथ दिलाना नहीं छोड़ा, शर्म नहीं आता? चल अरे चुप, चल इस गुंडे को समझाना, नहीं तो इसका हाथ मोड़ के दांत तोड़ के सर फोड़ के म्युनिसिपैलिटी के कचरे के डब्बे के अंदर डाल देगा, समझा करे? तुम क्या समझते हैं? अरे तुम काहे को आते हैं? तुम जाओ ना, हमारा काम करते, तुम हमारा काम करो। अरे चुप, अरे देखते तो देखो, हमको कोई वांडा नहीं है। अरे क्या बच्चा लोग है, कभी आँख दिखाता है कभी ताली बजाता है। चल ऊपर बैठ, एक्सरे का डब्बा हाय, इतना खूबसूरत मतन है। अरे वाह 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 कामिनी देवी जी, धनबाद हमारे जो आपके दर्शन हो गए, है ना बेटी? कितना सुंदर है आपका प्राइवेट चेम्बर, है ना बेटी? हाँ मामा। अरे यहाँ आकर तो आपने हमारे शहर की रौनक बढ़ाई है, है ना बेटी? वो तो बढ़ाई दी है, मगर आप कौन है जी? आप जिनसे मिल चुके हैं उस प्रकाश की मैं बहन हूँ, शोभा, और ये है मेरी मम्मी शांति देवी। ओ वाजी वाजी वाह शांति देवी जी, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। सुना आप जहाँ चली जाती हैं वहाँ शांति शांति हो जाती है। आपका बेटा कह रहा था जमो, और हमारा मतलब है कि बैठो, ये सोफा हमने बैठने के लिए बनाया है। अरे जमो बैठो बैठो। कामिनी देवी जी, मैं यहाँ के भारतीय महिला समाज की प्रेसिडेंट हूँ। हमने आपके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने चरण स्पर्श से हमें अनुग्रहित करें और कोई अच्छा सा भाषण दे। ओ जी नहीं जी, ऐसी फालतू मीटिंग के लिए मैडम के पास टाइम नहीं है। कामिनी देवी जी प्लीज। ओ जी ये प्लीज क्या होता है, मैडम को बुक करना इज नॉट इजी, शी इज वेरी बिजी। नगद राम जी, सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर, लेडीज फर्स्ट, समझे? लेकिन शांति देवी, हम वहाँ किस विषय पर भाषण देंगे? विषय है ससुराल में बहू का सम्मान। बहू का सम्मान, वो भी ससुराल में? अजी इस विषय में तो हमारी मैडम को ABCD भी नहीं मालूम। क्यों जी? आपका इस विषय में कोई अनुभव हो तो आप बताइए खड़े खड़े। मैं क्या बताएगी बेचारी, ये तो खुद ससुराल छोड़कर मेरे साथ रहती है। क्यों, पति के साथ कोई लफड़ा हो गया क्या? लफड़ा? कैसा लफड़ा? अजी वही जो होता है। नगद राम जी, ये समाज की इज्जतदार महिलाएं हैं, इनसे इज्जत से पेश आओ। सॉरी जी। आप लोग जाइए, हम सभा में जरूर आएंगे। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। आई नो दैट यू आर अ ग्रेटफुल, आई मीन यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो। मैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि इस सभा में वो अपने अनमोल शब्दों की रोशनी बिखेरे। दुनिया कहती है कि हमारे देश की नारी ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हमारे समाज में लड़कियों को दहेज के तराजू पर तोला जाता है। एक गरीब लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत, सुशील और गुणी हो, बिना दहेज के उसे बड़े घर की बहू बनने का कोई अधिकार नहीं। कहीं ये हमें ताने तो नहीं मार रही है? लेकिन धन्य है शांति देवी जैसी औरत जिन्होंने एक गरीब स्कूल मास्टर की पोती को अपनी बहू बनाकर समाज को एक नसीहत दी है। ये तो हमारी तारीफ कर रही है। हाँ, लेकिन गरीब बहू के नसीब में अमीर सास का सुख नहीं लिखा हो तो बेचारी सास क्या करे? हमने सुना है कि शांति देवी अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन हमारे यहाँ बहुओं को जलकर मरने का बहुत शौक है, जरा सा मौका मिलना चाहिए बस भागकर आग से लिपट जाती है। हम ये नहीं कहते कि आपने अपनी बहू को जलाकर मार डाला, जब बहू खुद हादसे का शिकार हो गई तो बेचारी शांति देवी क्या करे? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं मगर दुनिया वालों की जुबान को कौन रोक सकता है? मेरी प्यारी बहनों, ऐसी औरतें नारी जाति के माथे पर कलंक है, अभिशाप है, चाहे वो कोई ननद हो या सास।
हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि हमें ऐसे हादसों को रोकना होगा और ऐसी हरकतें करने वाली औरतों का मुंह काला करके जूते मार मार के देश से बाहर निकालना होगा। इसे कहते हैं पैसों के झटके। क्यों भाई, आप पहले कभी पैसे नहीं देखे क्या? और पूरे 10 लाख है। 10 लाख खड़े हो गए खड़े। और जी 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख मुनाफे के। थैंक यू। अरे हंस क्या रहे हो, सारे के सारे तुम्हारे। मैंने तारे को कहा था ना कि तारी और मैडम की कुंडली बहुत फिट होती है। तुम लोगों ने तेल के कुएं में 5 लाख की पूंजी डाली और मैंने तेल के कुएं से 5 लाख का मुनाफा निकाल लिया। बांट लो। थैंक यू। थैंक यू। बांट लो। नरद राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबे शुक्रिया की घाट खड़ी कर दी खड़े खड़े। अबे पब्लिक टेलीफोन के बारे में भी तो सोच। समझ गया। ये लीजिए। ओए आजकल अठन्नी में फोन नहीं लगते, फिर ये तो 54 है। ये 54 की 58 हुई, ये 12 हुए, ये 1 रुपया हो गया। जा चल जा। चल प्रकाश जा जा। अच्छा जी। और सुनो, इससे पहले कि मैडम की मूड की कुंडली उल्टी घूम जाए, अगर कोई और भी काम करवाना हो, कोई भी तो इस नगद राम को फोन करवा देना। अभी तुम लोग इतनी इधर से खड़े क्यों हो? माल कमाओ, माल जमाओ, पैसे लाओ, जाओ। अमर ये क्या खेल है तुम्हारा? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। घर के 5 लाख रुपए उठाकर उन्हें दे दिए। भाभी पैसे वाला समझकर हमें अपने जाल में फंसने के लिए उस दिन उन लोगों ने 5 लाख रुपए का चारा फेंका था। 5 लाख रुपए का झूठा मुनाफा देकर आज मैंने उली के फॉर्मूले से उन्हें अपने शीशे में उतारने का एक नया प्लान बनाया है। मगर दोबारा उन्होंने पैसे नहीं लगाए तो? अरे कैसे नहीं लगाएंगे भाभी, मेरे पैसे नहीं चुंबक है, चुंबक जो उन्हें खींच के ले आएंगे। मैं अपने दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखूंगा 5 स्टार होटल के अंदर और एक ब्यूटीफुल मर्सिडीज खरीदूंगा। अरे तेरी मर्सिडीज गई फाड़ में। पहले मैं अपने गहने छुड़ाऊंगी, थोड़े नए खरीदूंगी और कुछ साथ में साड़ियां भी। बेवकूफ हो तुम लोग। अरे लालची हो और पागल भी। थोड़े से पैसे का देखे लगी जबान की लाल झटके खाने। तो क्या करें, जब से वो कलमुई सीता जलकर मरी है तब से सारे माल पर कोर्ट का कब्जा पड़ा है। अरे कितने दिनों के बाद तो इतने रुपए देखने मिले हैं। ये पैसे तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के थोड़े से अंडे हैं। अबे लल्लू उस मुर्गी के बारे में सोच जिसने ये सोने के अंडे दिए। ये सारा माल उठा, कामनी के लिए खूबसूरत सा तोहफा खरीद, धीरे धीरे उस परी के दिल पे जादू चला तो फिर देखना कैसे खुशियां इस घर में झटके देती फिरती है। ऐसा क्या, फिर देखना अब मैं उसे किस तरह अपने साचे में डालता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। जूते लाओ। जूते? अरे अरे आपने। कोई बात नहीं, सॉरी। कामनी जी आपके पाँव दीजिए। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? सारे नौकर कहाँ मर गए? ऐसी क्या बात है, आप मुझे भी अपना गुलाम समझिए ना। आपके लिए ये मामूली सा तोहफा। ब्यूटीफुल। आपसे ज्यादा नहीं। अच्छा मुझे कमाल हो जाए, आपके जैसा जीवन साथी जिसके जिंदगी में आ जाए उसके जिंदगी की तो पौ बारह हो जाए। अति सुंदर, अति सुंदर। नगद राम जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कामनी जी को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं जाती। प्लीज कामनी जी प्लीज। और मैडम इसका दिल रख लीजिए, इसका दिल टेनिस बॉल की तरह है, एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे सारे अपॉइंटमेंट। ओ मैडम सारी जिंदगी की सबसे जरूरी अपॉइंटमेंट तो ये है। और प्रकाश जी आप खाने की तैयारियां करो, मैडम थारा घर खाने आ रही है। ओ
थैंक यू कामी जी, थैंक यू। ओके, यू आर टू गुड, टू गुड। ओ यू आर थ्री गुड, थ्री गुड। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू। अभी तू इतनी देर से खड़ा क्यों है? जल्दी जा, जल्दी जा। क्या बात है भाभी? उनसे मेरे जूते उठवाकर तुमने अच्छा नहीं किया। वाह भाभी वाह, और तुमने जो उसके जूते उठाए थे वो तुमने अच्छा किया था। मैं जानता हूँ भाभी कि तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची, मगर मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि वो तुम्हारे जूते उठाता या नहीं उठाता, क्योंकि मर्द जब औरत के नाज उठाते उठाते उसके जूते उठाने लगे तो समझो कि उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा तीर निशाने पर बैठेगा। तुम देख लो भाभी, मैं इन सबको कैसे एक एक करके तुम्हारे कदमों पर ला कर देखता हूँ। आइए आइए आइए। वेलकम। वो आए घर हमारे, ये तो सबने देखा। उनके आने के बाद चरागों की रोशनी बढ़ गई। आइए पधारिए कामिनी देवी जी, आइए। अरे आपके पाँव क्या पड़े, यह हमारा घर तो पवित्र हो गया। अरे मेरा ये प्रकाश तो आपके नाम की माला जब से सकता ही नहीं। नो एयर कंडीशन, इट्स वेरी हॉट। ओह आई एम सॉरी, बहुत थक गई। आप बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। हटो जा, हटो, सामने जा, पंखा मारने दो, एसी को भी आज खराब होना था। अरे रिलैक्स, अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई है, अरे जूस लाओ, जूस, अरे जल्दी लाओ पानी, जल्दी लाओ, जल्दी। कहानी से पैसा मत करो। तक दिना दिन दाता थैया, सुन मेरे बंधु सुन मेरे भैया, नाच न जाए रुपैया, नाच न जाए रुपैया। क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा। छुरी सर पे बिठाए, दिना दिन दिना दिन दिना दिन। यूं नारी है एक खिलौना, माटी मोल बिके क्यों सोना, माटी मोल बिके क्यों सोना। एक जगह तुम देख लो यारो, एक जगह तुम देख लो यारो, कैसी ये धूप और छैया, नाच न जाए रुपैया। क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा।
बाबते की कहे दीवाना आज नहीं है वो जमाना, आज नहीं है वो जमाना। एक पलड़े में नारी बैठे, एक पलड़े में नारी बैठे और दूजे में रुपया नाच न जाए रुपया। क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा। तक दिना दिन दाता थैया, क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, क्यों जी सच कहा या झूठ कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा, तूने सच कहा हाँ जी सच कहा। हाय हाय, अबे चल अभी निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आमरा देने मुझे परेशानी के झटके। अबे ओए, ये मेरे चाचा का घर है, तेरे पाप का नहीं। वो तो मुझे खबर मिली कि मेरी होने वाली भाभी जी आई, इसलिए मैं मिलने के लिए चला आया। भाभी जी हाँ आए। हाय भाभी जी, इन लोगों से बच के रहना, इन लोग बहुत प्यार करते हैं। तू अभी चल यहाँ से, चल तू मुझे बात कर। अभी आया मेहमान को, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। एनीवे अब तो यहाँ बार बार आने को जी चाहता है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे देखिए खाना प्लीज कामिनी जी, लेट्स गो। पता नहीं कहाँ से हमारा खामा खामे देने झटके। अरे शुक्र है भगवान का कि कामिनी बहुत खुश होकर प्रकाश का साथ लेकर चली गई। अच्छा, वरना उस कलमो ने तो सारे किए कराए पर झाड़ू फेर दिया था। वो कमीना कबाब में हड्डी बने इससे पहले तो प्रकाश और कामिनी की शादी का चक्कर चला ही। हाँ। चक्कर तो अब मैं चलाऊंगी राकेश। बीती हुई जवानी के झटके, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई है? सीधी तरह से जाती है, धक्के मार के निकाल दो। मेरा नाम सोनिया है, सीता नहीं, जिसे तुम लोगों ने जलाकर मार दिया था। मुझे कोई हाथ लगाकर तो देखे, पूरे खानदान को चक्की पिसवा दूंगी। तेरी ये आगे मत बढ़ना। अरे मेरी शोला है जवानी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें तो मालूम है मेरी मजाक करने की आदत है। मैं तो पहले से ही मेरी प्यारी बहनों को कह रहा था कि प्रकाश की शादी होगी तो सोनिया के साथ होगी। हम शादी हमसे पंगा। मेरे जुर्म के वो सबूत जो मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं उन्हें मैं हमेशा मिटा देता हूँ, चाहे वो सीता हो या सोनिया। ओ ये क्या है? आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई? यानी कि सेठ नगद राम को मिठाई का मक्का? ओ मतलब की बात कर भाया। नगद राम जी, हमारा प्रकाश आपकी मैडम के साथ शादी करना चाहता है। शादी? अरे तूने भंग तो नहीं रखी? अरे कट्टे दारो प्रकाश, कट्टे मारी मैडम। अरे धोजी को पल्लो भिगो के मारूंगा। तूने सोचा कैसे? सोचा कैसे? तूने सोचा कैसे? सोचिए ना प्लीज, सोचिए ना। मैं सोचूं? ठीक है मैं सोचता हूँ, तू मारे बारे में सोच, मैं थारे बारे में सोचता हूँ। मैं समझा नहीं। अरे मैं तो पब्लिक टेलीफोन हूँ। समझ गया। अब देख कैसे लाइटनिंग गॉल लगाता हूँ। अठिया मैडम के बाप की हांगकांग वाली फैक्ट्री में प्रकाश का माल लगवाते हैं, उन दोनों की हो जाएगी पार्टनरशिप। मैं तेरी करवा दूंगा मैडम के फादर के साथ फ्रेंडशिप, फिर हम दोनों मिलकर मैडम के फादर को पटाकर मैडम से प्रकाश के करवा देंगे लाइफ पार्टनरशिप। अरे वाह वाह वाह, क्या अकल के जैके हैं। वो अकल वहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है। नगद राम जी, बोलो जी, कितना माल लग जाएगा? 50 लाख। 50 लाख? इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे?
बंगला है ना, उसको गिरवी रखवा दो, चंद दिनों की तो बात है। लेकिन वो तो प्रकाश की माँ के नाम है। वो तो माँ के अपने बेटे के फ्यूचर के लिए इतना भी नहीं कर सकती। शायद कर दे, लेकिन इतनी रकम इतनी जल्दी हमें देगा कौन? अरे मैं हूँ ना, मैं तारे को दूंगा पैसा। बंगले के पेपर रख जा और रोकड़ा ले जा, जा। अरे मेरी प्यारी बहना, ये कीना झटके वाली बात। चल बेटी चल, लेट्स गो। मम्मी रात बहुत हो चुकी है, मैंने तो इनकी गोली खा ली है, तू भी गोली खाकर सो जा। ये आवाज क्या अमावस की रातें
की दुश्मन, ओ चाची मेरी, ओ चाची वो बहना, ओ चाची 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 सुन ले चाची हमारी आई बहू की सवारी, राज बहू अब करेगी एक ना चलेगी तुम्हारी, थाम ले उसकी भैया तू पड़ जा उसके भैया तू, थाम ले उसकी भैया तू पड़ जा उसके भैया तू, अब लाख उन्हें से पीछा छुड़ा ले तुझको न वो छोड़ेगी। उनसे जाकर बात करते हैं। प्रकाश शांति देवी, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बंगला खाली कीजिए। एक मिनट सुनो राकेश, मुझे तुमसे सीधा भाभी की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। वी हैव टू गो समवेयर। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। ये नहीं और अरे, लेकिन मुझसे क्या पूछना है कमाल? क्या बोल रहा भैया खड़े खड़े, हमने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है? और नगदराम को दिमाग चटाने की आदत नहीं है, छोड़ फोन। नगदराम जी, वो नोटिस आपने भेजा है? नहीं तो क्या मेरे बाप ने भेजा है आसमान से खड़े खड़े? लेकिन क्यों? कर लो बात, अपने पैसे वसूल करने के लिए यार। लेकिन दामनी कहाँ है? वो तो दुनिया के दौरे पे गई है। तो आएगी कब? और मालिकों का भी कोई मालिक होता है, उनकी मर्जी आवे ना आवे वही रह जावे। लेकिन जा भाया जा, नगदराम को मुफ्त में दिमाग चटाने की आदत नहीं है। चल मोरे भाया, खा ले घी की रोटी। ऐसा मत कीजिए प्लीज, प्लीज भाई साहब, मुझे मेरे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आई एम सॉरी शांति देवी, हम मजबूर हैं, चलो। रिक्शा रिक्शा जल्दी चल। अरे शोभा कहाँ जा रही है? ठहर, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मम्मी तुम कहाँ चलोगी मेरे साथ? इतने बड़े बंगले में रहने वाली एक पुलिस ऑफिसर के एक छोटे से क्वार्टर में कैसे रह पाओगी? शोभा मेरी मानो तो तुम कोई दूसरा अच्छा सा इंतजाम कर लो अपने रहने के लिए। चलो रिक्शा जल्दी चलो। शोभा अरे शोभा इन्हें अंदर ले। मेहरबानी करके आप नोटिस वापस ले लीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तू जाए आगे यार, दिमाग चाट रहा है, नौकरों को बुलाऊं? यू चीट ओके बाद हमें बर्बाद करके अब नाटक करने चला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवी जैसी पत्नी को ठुकराया, देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तूने बदनाम किया। प्रकाश, नारी की कोख से जन्म लेने वाला जब नारी कोई बेइज्जत करता है तो उससे सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं चाहता तो इस रिवॉल्वर की एक एक गोली तुम्हारे सीने में उतार देता, मगर इस रिवॉल्वर और तुम्हारे बीच किसी के अरमान दीवार बनकर खड़े हैं। जब तक तुम दर बदर की ठोकरे नहीं खाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि घर क्या होता है और पत्नी क्या होती है, भाई क्या होता है और दवाई क्या होती है। बहादुर राम सिंह उठा के बाहर फेंक देते। अमर ये बात ठीक नहीं है, अमर ये ठीक नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। अमर ये क्या किया तुमने? बोला फुटपाथ पर आ जाएंगे। फुटपाथ पर आकर इंसान को अपनी औकात का पता लगता है। भूल गई तुम कितना अत्याचार किया था इन लोगों ने तुम पर? लेकिन अमर मुझे जाना ही होगा। भाभी तुम्हें मेरी कसम, प्लीज भाभी ये मेरी आखिरी चाल, मुझे चलने दो, मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद ये लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे। तूने अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुकराया,
देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तूने बदनाम किया प्रकाश। नारी की कोख से जन्म लेने वाला जब नारी कोई बेइज्जत करता है तो उससे सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक तुम दर बदर की ठोकरें नहीं खाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि घर क्या होता है और पत्नी क्या होती है, भाई क्या होता है और दवाई क्या होती है। कौन सीता भाभी? हाँ मैं सुधीर बोल रहा हूँ, प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट हो गया? उन्होंने गहरी मार लगी है और बहुत सीरियस है। वो है कहाँ? नेशनल हॉस्पिटल में। मैं अभी आती हूँ। प्रकाश का एक्सीडेंट? भाभी तुम अब तक इन पर एतबार करती हो? अरे सब नाटकी लोग हैं, ये सब इनकी चाल। लगता है दूसरों के दिल का मैल साफ करते करते तुम्हारा दिल मैला हो गया है। ये फोन सुधीर भैया का था। डॉक्टर साहब मेरी सारी दौलत ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जो भी हमारे बस में है हम जरूर करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। बॉय चल। आई एम सॉरी भाभी, माफ कर दो मुझे। नहीं अमर तुम बुरा मत मानो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कहाँ जा रही भाभी? अगर सावित्री अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छीन कर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं। आज मैं भी देखूंगी किस तरह मेरे तपस्या के दीप बुझाकर वो मेरे पति को मुझसे छीन कर ले जाएंगे। भीख मांगने में तेरे द्वार आई हूँ, मुझे खाली हाथ मत लौटाना, मैं खाली हाथ जाऊंगी भी नहीं। Thank you.
मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा। अरे पागल, भाभी तो महान है। मैं भी आया। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर रुक, मैं भी आया। हमारा ड्रामा खत्म हो गया मिस कामिनी देवी। अबे छोड़ दो मुझे। राकेश वाह, अरे तूने तो बाजी ही पलट दी। अरे बहना तू एकदम सही टाइम पर आ गई। पहचानी से? यही कामिनी थी और यही सीता है। आज हम इससे सारे बदले निकाल लेंगे। ठीक कहा था। कम से कम राखी की लाज तो रखी होती। आज तक मेरी आंख पर फरेब की पट्टी बांधकर तू मुझे गलत रास्ते पे चलाता रहा। अरे तूने जिसकी जान लेने की कोशिश की थी उसने ही आज मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं दोबारा अपनी बहू को खोना नहीं चाहती। छोड़ छोड़ दे इसे। अरे वो मेरे इमोशन के झटके। उस आवारा प्रकाश को शराब और शबाब के कुएं में डुबाकर अपनी उस बेवकूफ बहन को मीठी मीठी बातों से फुसला कर इन लोगों की प्रॉपर्टी तो मैं कब की हड़प गया होता, मगर तुम और अमर मुझे बार बार झटके देते रहे। मैं तुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर नजारा दिखाने नहीं लाया हूँ। ये प्रॉपर्टी के कागजात और ये चेकबुक, इन पर फौरन दस्तखत कर दे। देखते क्या है दस्तखत कर। देख, देख। इतनी ऊंचाई से अगर मैंने तुझे नीचे फेंक दिया ना तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। साइन कर। ये प्रॉपर्टी मेरे पति और सास की अमानत है, मैं इन पे साइन नहीं करूंगी। तुझे जो कुछ करना है कर ले। तुम्हारा नीचे मैं कह रहा हूँ। राकेश छोड़ दे। अरे मेरी जवानी के झटके, तूने आने में बहुत देर कर दी। जब तक तू ऊपर आएगा ये खेल खत्म हो चुका होगा। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तू कलम चलाती है सीता रानी या मैं पिस्तौल चलाऊं? मैं साइन नहीं करूंगी। चिड़िया के झटके तुझे बचा लेंगे। साइनकार नहीं करती। साइनकार नहीं करती। पहुंच गया। Amar!
प्यारे ये कानून के फटके तुम्हारे सारे जवानी के झटके मिटा देंगे। इधर इधर इधर। हाय राकेश। अबे कुत्ते के दम। सोनिया गिरी वालों में नकली गोलियां मैंने डाल रखी थी। सोनिया इनको इनकी आवाज भी सुना दो। ये है तुम्हारे जुर्म का इकरार। मेरे जुर्म के वो सबूत जो मुझे फांसी के फंदे तक पहुँचा सकते हैं उन्हें मैं हमेशा मिटा दूंगा। अभी तू इतनी देर से खड़ा क्यों है? पत्थर फोड़ो, जेल को जा, चक्की पीस, जेल को जा, 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 जा। थैंक यू सोनिया। यू मोस्ट वेलकम। ये चेकबुक और प्रॉपर्टी के पेपर मैंने इन पर साइन कर दिए नहीं। ये सारी जायदाद तुम्हारी है, हो सके तो मुझे माफ कर दे। सीता, माफ कर दे। इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। मेरी गलतियों की कोई सजा तो मत दो सीता। ये आप क्या कर रहे हैं? I love you, सीता। I love you। अमर बेटे, अमर। क्या बात है चाची? अपने चाची पर अब तक गुस्सा है क्या? कहाँ जा रहा है तू? चाची, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया, बहू मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई। मुझे भी तो मेरी असली प्रॉपर्टी के पास जाने का मौका दो। माँ जी, मुझे पता है इसकी असली प्रॉपर्टी क्या है। आशा, अमर यहाँ आओ। यही है ना मेरी असली प्रॉपर्टी। अरे वाह भाभी जी, आपने तो कमाल कर दिया खड़े खड़े। चली